मिस्टर राजवीर, मिस्टर राजवीर, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो बाहर निकलिए। कौन कौन है आप लोग? क्या आप ही राजवीर हैं? जी हाँ, मैं ही राजवीर हूँ। हम लोगों को आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? मेरे घर की? मगर क्यों? और आप लोग तलाशी लेने वाले कौन होते हैं? देखिए, हमें जानकारी मिली है कि इस जिले में एक आपका घर ही संपूर्ण घर है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाइए और हमसे परिचय कराइए। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? पहले मुझे आप लोग अपने बारे में बताइए कि आप लोग हैं कौन और ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। सर, इन खराब बात के बुरा मत मानी, इतने उल्टा दिमाग के हुए हैं। जहिया ज्यादा खुश रहे ले, वो दिन उल्टा बात करे ले। इनखरा तरफ से हम माफी मांगा था। वो कहा कि हमने एक संस्था चला लेनी संपूर्ण परिवार के नाम से, और हमने के हर जिला में सर्वे करे खातिर निकलल बानी कि केकर परिवार पूर्ण रूप से संपूर्ण बा। तो सबसे पहले रउए के नाम सुने के मिलल है। लेकिन ये सबसे तू लोगन के क्या फायदा? सर, हमने के काम फायदा खातिर नहीं करत। आजकल हर गांव में चल रहा भाई भाई के लड़ाई, बाप बेटा के लड़ाई, जमीन जायदाद के लड़ाई, बंटवारा के लड़ाई, यह समस्या दूर करे खातिर रउआ लगे आइल बानी। जब रउआ जैसन परिवार के बारे में मंद बुद्धि लोगन के पता चली तो शायद उन लोगन के मन में थोड़ा बहुत तो सुधार आई और वो सब मिलजुला के रही है। यह हमनी के संस्था के उद्देश्य बा। आप लोगन का उद्देश्य तो बहुत अच्छा हो जी। हम आप लोगन का सहायता करब, हम अपने परिवार से हाँ सबके आप लोगन से मिलाई। शंभू, ए शंभू, आवा सब जने बाहर। ये हमार परिवार, हम बारी बारी से सबके परिचय करावत है। ये हम अनमार भाई शंभू, नमस्ते, उनकर पत्नी पुष्पा और उनकर बिटिया। ये हमार दुलरुआ छोट भाई दरोगा, बचपन से कर सपना रहे कि दरोगा बने, लेकिन बेचारा 100 मीटर भी ना दौड़ पाया और गिर गई, यही से अपन नामे दरोगा रख ले लस। और उनकर पत्नी पिंकी और उनकर बेटा। ये हमार सबसे छोटी बहन मुन्नी और ये हमार मुन्नी के पति देव दलाल। एक्सक्यूज मी साले साहब, जरा रिस्पेक्ट से नाम लीजिए, बबलू दलाल। अरे बबलू कह चाहे डबलू कह, भाई जी दलाली का काम करी वो दलाले ने कहा। और ये हमार सबसे छोट बेटा संदीप। सागर कहाँ गए? सागर, हे सागर। अरे ये हमार जो सबसे बड़ बेटा हो ना, ये हर काम मिठीला, कौनो काम समय से ना करेला। ये हमार बड़ साहब ज्यादा बाड़न सागर। ये उनकर पत्नी अनामिका और ये हमार सबसे नटखट, हाँ ये घरे का चिराग पोता हमार। लेकिन एक बात बताई, हमार जो बीच वाला बेटा हो वो ये समय यहाँ मौजूद नहीं, काहे कि वो शहर में पढ़ाई करत हो। आ जाई वो ही आ जाई। ई रहल भाई हमार परिवार। सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद, अपन कीमती समय देवे खातिर और अपन परिवार से मिलावे खातिर। अब हमने के इजाजत दीजिए। अरे नाना, ऐसे कैसे हो सकेला? रुआ चाय पानी तो करके जाए ना। चाय पानी होई जरूर होई, लेकिन मिशन कामयाब होला के बाद। जरूर कामयाब हो जी। ठीक, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब बहुत हो गए बाबूजी। भौजी के रोज रोज के झगड़ा से बहुत परेशान हो गई बनी हम। अब हमनी के अलग कर दी, जौन घर जायदाद बा बांट दही, ताकि हमहू दो रोटी चैन से खा सकी। देख महेशवा, ये रोज रोज के लड़ाई झगड़ा खाली हमरे मेहरारू के वजह से ना होला, एमे तोरो मेहरारू के भी गलती बा। हाँ हाँ, गलती तो हमरे बा, सब केहू अपने मेहरारू की बड़ाई करेला। अते तो बहुत दूध के धुलल बाड़ी, जब से घर में आईले हमनी के पानी पिया के रख देले बाड़े, का जाने तोर माई का खा के पैदा कैले बाड़ी। देख ली दीदी, हमरे माई के बारे में कुछ ना बोली, नहीं तो बिगाड़ हो जाई। हमरे माई की जैसन केहू नाही। हाँ रे, सही कहत बाड़े, सब उनकरे सिखावल जे तू इतना जबान लड़ावत बाड़े। तू कौन चुप हूँ? तू तो जुबान लड़ावत अड़ू। अरे भगवान, तू लोग चुप रहू के मुड़ के चल जाई यहाँ से। रुआ जॉन मन करे तौन करी, आज बंटवारा हो के रही, हम इनका साथे एक दिन भी न रहब। तक केक खखवाल बा तोरा साथे रहे के, सुन लीजिए, अब हमू एकरा साथे एक दिन का आधा दिन भी न रहब।
देख लेनी बाबूजी, घर के नाटक ई कुल का हो रहल बा। बेटा हम कबहू ना सोचले रहनी कि हमरा जीते जी तू दोनों जने एक दूसरा से अलग रहबा। तारा माई के मरला के बाद अपना कलेजा से साठ के पल्ले बानी तू लोगन के। तू लोगन के कबो माई के कमी महसूस ना होके देनी। आज अपन अपन मेहरारू के चक्कर में पड़ल बड़ा लोग, एक बार भी बाप के ख्याल ना आयल कि हमरा दिल पे का बीती। हम तू लोग के अपना सामने अलग रहत ना देख सकीला। बेटा एक बार और सोचला तू लोग, अगर ऐसा भयल ना तो हम चीते जी मर जाए। ठीक बा, अगर तोहनी के यह फैसला बा तो कल हम अमीन के बुला के बंटवारा करा दे। रुक जा रामू, भूल कर भी ऐसा मत करिया। अगर औलाद अपने माँ बाप का इज्जत न करे तो उन लोगन के कुछ छो न देवे के चाहिए। हर माँ बाप अपने औलाद के पढ़ा लिखा के ई लायक बनावेला कि बुढ़ापे में होकर सहारा बने। और तू लोग का करत अड़ा, अपने अपने मेहरारू खातिर अपने बाप के छोड़ के जात हुआ। शर्म आए के चाहिए तू लोगन की। तू लोगन की याद है जब तू लोग बचपन में झगड़ा करत रहला तब ये बाप तू लोगन के मार पीट के डांट के समझा के एक साथ रख। आज जब अपने पैर पर खड़ा हो गया तू लोगन का ब्याह शादी हो गए तो अपने अपने मेरारुवन के चक्कर में अपने बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा बड़ा। अरे तोरे जैसा औलाद पाले से चाहो एक कुत्ता पाल ले, कम से कम वफादार तो रही। हम तो रामू की बुलावे आल रहे, कुछ काम रहे, पर तू लोगन का नाटक देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। रामू जी मालिक, जब टाइम हो के तो हमारे घरे आ जाइए, कुछ बात करे क्या। ठीक बा मालिक। के माफ कर दी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबूजी। आज के बाद हम कबो रहुआ से बंटवारा के बात ना करो। का रे कहाँ रह गई, एनिये से नू आई, कौनो दूसरा रास्ता से ना नू जाई। अरे भैया वो यही रास्ता से आई, कहे कि ओकर घरे जाए के और कोनो रास्ता नहीं खे। भैया दो मिनट इंतजार करी औते होई। अच्छा ए सुन सुन, हेने आओ हेने आओ। का निकालो का। अरे वो है हम अपना बहन के शादी खातिर ले जाता नहीं, पैसा ना दे। अरे बहन के शादी तो होखवे करे, पहले पैसा निकाल, पैसा ना दे। अरे धर रे चुप, कोनो गरीब के सता के ओकर मजबूरी के फायदा उठा वाली मर्दानगी ना है। अगर दम बा तो हमरा सामने एगो नोट उठा के देख। तोरा के देख ले। धन्यवाद, रंगवा वजह से आज हमार बहन के ब्याह रुके से बच गई। अरे भाई कोनो बात नहीं के, तू ये सारा पैसा ले जा और अपना बहिन के बढ़िया से शादी धूमधाम से कर। जी भैया। अरे भाई ये हमार कर्तव्य रहे भाई ला। हे बिंदी टिकुली बाली कनबाली झुमका, अब बहिन के मारी टाट टाट ठुमका, एक नंबर के माल, अब बहिन के करा बवाल। भौजी हेने आई हेने आई, एकदम सस्ते के माल, एकदम टिकाऊ माल, एक बार पहनबू बार पहनबू पूरा जिला जवार ही लेबू। हमार सामान पहिर के जे मर्द के पास जाई, मर्द ओकर जीवन भर गुलाम बन जाई। हर चीज हाजिर बा। बोली भौजी का चाहिए? हमरा के हवाई जहाज चाहिए। कहा के दे बा? हवाई जहाज। ए ले छोटवा नीचे उतर तो। हाय ले ई हमार इंडियन हवाई जहाज। ई का कहत रे मोटू? अच्छा ई हवाई जहाज ह? और का तू क्या लागत है? तो हमरा खातिर ये हवाई जहाज हो, यही पे बैठ के हम पूरे गांव जवार घूमे ले।
हमर के तही में बैठ के पूरा इलाका घूमल जाला। ई हवाई जहाज आपन लगे रखा, हमरा के एगो खूब सुंदर कान के बाली दिखावा। ओ ए छोटुआ, चल कान के बाली निकाल के दे। चढ़ाओ। आई भौजी, आई 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 भैली भौजाई, एकर 500 दाम बा, रउवा खातिर 450 रुपया लागी। भौजी झुमका बवाले बा। ए पार्टनर, मालदार बुझा दिया। अरे वाह, ई तो बड़ा नीक बा, बाकी एकरा के छुपा के काहे रख ले राला। ओ कहन भौजी के ब्रांडेड सामान ब्रांडेड भौजाई लोगन खातिर लुकवा के रखल जाला। रउवा जैसन ब्रांडेड भौजाई आई है तो चिपके से देवल जाए उनके। अगर पहन लेबो तो पूरा गांव में गर्दा उड़ी, गर्दा 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 मच जाई गर्दा। जल्दी से माल निकाला जल्दी। लेकिन 400 से ज्यादा ना दे। अब भौजी हमने के घाटा लग जाए। तब ठीक बा, ले जा, हमरा ना चाहिए। अच्छा ठीक है, दही अगला दही वापस कर दे। ठीक बा, ठीक है, हम बाकी पैसा हम आपके अगले दही लौटा दे। हाँ ठीक। मोटू हाँ, पैसा लाओ यार। चल चल। हाँ भौजाई लोग जल्दी जल्दी बताई का चाहिए। रस्ते के माल सस्ते में, रस्ते के माल सस्ते में। देखिए सोने से कम नहीं, खो जाए गम नहीं। देखिए ना, चूड़ी फूटेगी नहीं, दिहाड़ी छूटेगी नहीं। बड़ी नीमन भाई। हाँ भौजी, का दिखाई? बोली बोली। हाँ दिखाओ बता। ए पार्टनर, भौजाई तो बहुत मालदार लगा रही, पूरा गर्दन गहना से भरल रहे। आज मौका मिली था, यही लगले हाथ साफ हो जाए। ए पार्टनर, आज बढ़िया दिन है। तू सही कहा तेरा पार्टनर, ऐसा बुझात बाकी ढेर माल बा। अरे बाबूजी, गुड़ लागत है। खुश रह, आज में इतना देरी क्या कर देला बेटा? बाबूजी, रउआ तो जानते बानी भैया के आदर, आज तक कहीं टाइम से पहुंचल बाड़े जे आज पहुंच जाई हैं। पूरा एक घंटा इंतजार कैनी है तब्बो ना आइले। इंतजार करत करत पैदले चल देनी, रास्ता में मिल रहे हैं। अरे बाबूजी, इमें हमार कोनो गलती नहीं है। अब रास्ता में टायर पंचर हो गए तो क्या करते, बनवाए में टाइम लगबे करी ना बाबूजी। अच्छा अच्छा ठीक हो, तू एक काम कर, जाके अंदर हाथ मुंह धो के नाश्ता पानी कर, सब लोग तुम्हारे इंतजार कर। अच्छा ठीक बा बाबूजी। संदीप सामान उठा के अंदर ले जा, समझ ला। ले देवर जी, दबा के खाएं। आज राउर फेवरेट पूरी सब्जी बना ले बानी, इतना दिन बाद घरे वापस आयल बानी, शर्माई मत। अरे भौजी, अब कितना खेबू, पिटवे भरने खाई। तनी मनी ज्यादा खा ले तो का हो जाए, अच्छा नहीं के बनल का। बहुत टेस्टी गरम गरम बनौले बाड़ू। और कितना दिन के बाद तैसन खाना मिला था खाई के, मन करा था कि हथवा चाट के खाई। हाँ तो खाई दबा के। पापा जी रउआ के कुछ दी? अरे ना कुछ ना चाहिए और दा। अरे मुन्नी, ये दलाल कहाँ बा? भैया वो अपन दोस्त के घर पार्टी में गई बानी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभिजय। हाँ बाबूजी। अब आगे क्या प्लान बा, पढ़ाई तो खत्म हो गई? बाबूजी अब जितना पढ़ाई लिखाई करे के रहे सब पूरा हो गई बा, और अब आप सबसे दूर रहे के मन नहीं के कर। अब हम चाहत नहीं बाबूजी कि भैया के साथ फैक्ट्री में हाथ बटाई। अरे वाह, बहुत अच्छा सोचले बड़ा। लेकिन एगो बात बतावा, पिया शादी के लिए क्या ख्याल हो? सर में तो कोई से चक्र का नहीं चला था? ना बाबूजी, ऐसा कोनो बात नहीं है। अगर केहू बा ना तो बोल दे बाबूजी से। अरे भैया ऐसा कोनो बात नहीं है। अरे बोला बोला, जौन भी बा मन में खुल के बोल दा, काहे कि त्योहार आवे से पहले त्योहार शादी के बाद चल रहा बा। और इतना दिन के बाद हमनी के घर में सहनाई बजी, हम तो वो दिन के इंतजार करता नहीं कि जल्दी से जल्दी कहीं मामला फिट हो जाए बस। बाबूजी अब सब केहू के मर्जी बा तो हमहू तैयार बानी। तो एकर मतलब ई भई कि राजा बाबू बियाहे खातिर तैयार बाड़े, मतलब बियाहे के तैयारी शुरू कर जाओ। मोटू चल जल्दी, धीरे धीरे चलबे तो भोर हो जाए, अरे सब काम खराब हो जाए। अरे मोटू हाँ, ये उजर के घर बाबा। अरे भाई
छुटुआ सब कोई सुतल बा। आज अमावस के रात है। अरे ससुरा आज के दिन अगर चोरी कहला ना चोरी सफल हो जाए तो समझ लो पूरा किस्मत ही खुल जाए। अब जब ही परा पहले लगला उड़े। देख पार्टनर हाँ हमरा लगे एगो सॉलिड आइडिया बा। कौन आज डी बाबा के पास गोई रनी। अच्छा कुछ कहला है हम डी बाबा से हाँ? एक बोतल दारू सकर ले बानी और दू गो मुर्गा। डी बाबा कहले बड़े तू जा बच्चा तोहर काम सक्सेसफुल हो जाए। झट से उठ जा फट से चढ़ जा। अरे बाप रे ओमे से एगो बोतल हमरा खातिर लेके आवे चाहिए। पार्टनर पार्टनर एक आइडिया बा। का हम तोरा ऊपर चढ़ जाता नहीं हाँ। ते उठा दे हम ऊपर चढ़ जाए। हाई सीढ़िया सीढ़ी लगा दे उठाओ पार्टनर। ए पार्टनर अब चढ़ जो। अब ते चढ़ जो हम थक गए बने। ना तुहार लंबाई चौड़ाई बा तू बहुत खा ले तू पहले चढ़ 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 चढ़। हे भगवान जा जा जा। हम जन्नी कनु कुकुर काटता। कुकुर तोरा दिखाई देता कुकुर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर संभाल के जइयो। हे देवा कपीस तीन लोगों को जागर। ए छोटू अब ते हूँ ऊपर आ जाओ। आओ तनी पार्टनर हमरा बहुत डर लगता। का है पहली बार इतना ऊंचा चढ़ा तनी हमरा से ना हुई। इतना ऊपर चढ़ा तारे लगता ऊपर जाता रे मोरे है। आ जाओ। जय हो डी बाबा अब हमार जिंदगी तोहरे हाथ में बा। बात तो ठीक कहता रे आ जाओ। अच्छा अच्छा रुक रुक आओ तनी ऐसा कर ते ऊपर चढ़ हम देखा तनी कनू झाकत तो नहीं बटे ठीक बा। ते चढ़ हम आओ तनी। अरे अरे बाप रे बाप अरे मोटू ए पार्टनर अरे बचा ले रे ए पार्टनर अरे मर गई नहीं रे। का बोल रे अरे हमार कमर टूट गई रे पार्टनर। पहले ही जतरा खराब कर दे ले ऊपर चढ़ 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 चढ़। रुक 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 कौन जुगाड़ लगाओ तनी वही रुक। के मारले हवे उतना जोर से हम मारम त कैसन लागी। हम जानबूझ के ना मरनी ह अनजाने में लग गइल ह। हम हो जानबूझ के ना मारब। तू कही के दादा हवा का कि तू मरबा और हम देखत रह जाए। हाथ तोड़े में ना समय ना लगी 2 मिनट लगी सारा गर्मी उतार दे। अभी त हमर दादागिरी देखले कहां बाड़ी लागा त दादागिरी दिखावे के पाई। चल छोड़ ए रुक।
हमार इलाका हा। यह बस सिर्फ और सिर्फ हमार चलेला। हमरा एरिया में हमरा बहिन के साथ रंगदारी करत बाड़े। हम्म, रंगदारी का होला? ई आज हम तो होके बताई। वाह दीदी वाह, मजा आ गई। का पिटाई कैलू हा, यकीन नहीं होखत। बिना हमरा बतौले तू लोग ऐजा अकेले चल अइलू हा। हम ना आयल रहती तो का होइत? कुछ ना होइत, हमरा पूरा यकीन बा कि हम जहाँ भी मुसीबत में पड़े नी, हमार बहिन दुर्गा बन के हाजिर हो जाली। भगवान ऐसन बहिन सबके देवे। आई लव यू। छोट हट आज। आई लव यू टू मेरी प्यारी बहिन। यजमान, रामाशंकर जी नहीं की का? यजमान, सुनाई नहीं के दे, बाहिर होई। आहिर नहीं की, हम बनिया बानी, ठीक बा?
लागत सोचहू में कम सुनाई देत हो। एक बार और पूछ के देखत है जजमान। रामा शंकर जी ना बानी? हाँ हाँ गैल बानी, गैल बानी। एक बार गैल रानी बहुत मजा आयल, रहुओ चली बहुत मजा आई। हे प्रभु एकरा से कुछ देर और बात करब तो रहुआ लगे हमें देर ना लागी। मुँह का देखा तारे पानी डाल। आज तो जतरे एकदम हमार खराब हो गई बा, रोज हम सब के जतरा बतावे नी। अरे पंडित जी गोर लागी, कहाँ जाता नी महाराज, आई बैठी। हाँ प्रणाम। बैठी जी प्रणाम। रामा शंकर जी ऐसन लोगन के अगर दुआरे रखब तो हमरा जैसन पंडित तक खाए बगैर मर जाई। काहे कि न रउआ से मुलाकात हुई, न कोनो दान न कोनो दक्षिणा मिली। अरे पंडित जी वो तनी कम सुनेला। हाँ। अरे तनी पंडित जी खातिर पानी ले आवा। हाँ, अभी लावा तनी। पंडित जी कहीं आगे बात बढ़ल की ना? रामा शंकर जी जौन फोटो आप देले बानी उसे कहीं मामला बनल ना, काहे कि सब लोग यह कहे ले इत लड़की ना लड़का बिया। दूसर कोनो फोटो होके तो दिहल जा। अरे माला कोनो साड़ी वाला फोटो बा लेके आवा। एल्बम में देखे के पड़ी शायद, ओकर एक फोटो हुई पिछला महीना अपन सहेली के शादी में गई रहे, जबरदस्ती कुल साड़ी पहना दे ले राली। देखा तानी रुकी लावा ले आवा। पंडित जी ओकरा के हम समझा समझा के हार गई बानी, अब लड़की सयान हो गई बिया, कहनी के लड़का वाला रहन छोड़ दे, लेकिन वो माने के तैयारे नहीं खे। अब कैसे ओकरा के समझावल जाए रहुआ बताई। वाह अति सुंदर अति सुंदर। रामा शंकर जी यह फोटो हुआ आप पहले देले रहती तो है जोन चपलवा हमार घिस गई, लड़का खोजत खोजत उना घिसी। खैर कोनो बात ना, चपलवा तो आप ही के देवे के पड़ी। कहो बुढ़ो तू फिर आ गयला। रिंकू बड़ लोगन से ऐसे बात कर जाला? हाँ तो का करी, इनकर पूजा करी। कितने बेर हम कहनी कि हमके ब्याह ब्याह नहीं खी करे के, लेकिन ये बुढ़ो तो हमरा पीछे ही पड़ गए बा। रिंकू ढेर बोलत बारू तू, ए डिंपल एकरा के अंदर लेके जाता। चला दीदी चला, तुमके जो के ना मजा छ एकदम पागल होगा। चल ई लड़की के तनको शर्म नहीं खे, केकरा से कैसे बात कइल जाला। रहुआ ओकरा बात की बुरा मत मानब, ली मिठाई खाई पानी पी। जजमान आप मिठाई उठाए रह दी, अब हमके इजाजत दी। लागा था कि अब मामला बन जाए। ठीक लगता नहीं ना। देखा ये अपन फैक्ट्री है, ये अपन प्रोडक्ट। वाओ हाँ हाई फ्लो बैटरी। हाँ आओ अंदर समझाओ तनी, सिट डाउन। और यह तहार कुर्सी। हमार कुर्सी? अरे भैया ये पर तो तू बैठे ले ना। अरे बैठत रहनी लेकिन अब तू बैठवा। काहे? काहे कि हम चाहता नहीं ये ऑफिस का कारबार अब तू संभाला और हमरा इस सबसे छुटकारा मिल जाओ। इतना दिन से टेंशन ले लेके ना हमार दिमाग पाक गिल बटे, यही से हम चाहता नहीं। अरे भैया बैठा बैठा बैठा, ई टेंशन अब तहार, ठीक बा? अरे भैया उ तो ठीक बा, बाकी हम ई सोचा तानी कि इतना दिन बाद हम गांव आयल बानी। तनी गांव घूम ली, अपना दोस्त यार से मिल ली और तनी हरियाली हरियाली देख ली। ठीक बा देखा ना कोनो दिक्कत देखे, आज भर देख ला, काल से तहारा एजा बैठे के पड़ी। ठीक बा भैया हम जाता नी। पंडित जी लड़की तो बहुत अच्छी भी है, अब कुल खानदान भी अच्छा होके ना तो बात आगे बढ़ाई। कुल खानदान के चिंता मत करी जजमान, काहे कि दोनों परिवार के मेल एकदम सही बैठा था, यही से ई रिश्ता रउआ लगे लेके आयल बानी। अच्छा पंडित जी रउआ बात पे कैसे भरोसा कर ली, पहले जाके हम तलाशी करब ओकरा बाद बात आगे बढ़ी। और हाँ एक बात और पंडित जी, दान दहेज के बात पहले कर लिया, काहे कि लड़का के पढ़ावे में बहुत पैसा खर्चा हो गई बा। बोले लेना तू एकदम चुप रह समझ ला। पंडित जी जी कहो कि हमके दान दहेज एकदम न चाहिए।
आप कोनो दिन तारीख अच्छा देख के लड़की देखे के बात कर ला, है ना? हमके बस लड़की अच्छी चाहिए। अच्छा। जो हमारे घर परिवार के अच्छा से संभाल सके। अच्छा तो ठीक बा, हम ओ लगन से पूछ के दिन तारीख बता बतानी और अब आज्ञा दी जाए के। ठीक ठीक प्रणाम। दहेज वहेज के बात कर रहे तू लोग? अरे भैया हम तो बस ऐसे ही कहानी है। प्रणाम बाबा। खुश रहा बेटा, खुश रहा, ब्याह जल्दी हुई। ल ये भी आ गए। हाँ बेटा बहुत अच्छा समय से इला बेटा। वो कहो ना कि पंडित जी आए रहे, लड़की का फोटो दिखाए। भाई हम लोगन के तो लड़की बहुत पसंद दिया। तो फोटो देख ला, बतावा दादा दादा हो फोटो दा। तू देख ला और हमनी के बतावा, ठीक है ना? ठीक बा। चलो हो आवा। हाँ, चली चला आवा। अच्छा तू ही हमारे सपना की रानी बाड़ू, ऐसे तो तहरा में कोनो दिक्कत दिखाई नहीं खे दे, बाकी एकदम परफेक्ट बा। के न थुनिया दिल धड़का बाता पाँव पे जनिया उठवा के लानी नाक के न थुनिया दिल धड़का बाता पाँव पे जनिया छिप जाला हो चांद छिप जाला बदारा में जाके जब हंस लुकन के दबा के जान चांद छिप जाला बदारा में जाके जब हंस लुकन के दबा के जान फूल खिले पवन में कमर कर धनी सोर कैले बा चमन में बिंदिया बुझाला फूल खिले पवन में कमर कर धनी सोर कैले बा चमन में देखी रात भी तो हाँ केला जाके देखी रात भी तो हाँ केला जाके चांद छिप जाला हो चांद छिप जाला बदारा में जाके जब हंस लुकन खी दबा के जान चांद छिप जाला बदारा में जाके जब हंस कन खीता भाके भोर के अंजोर लागे आँख के कजरावा देखी तोहर रूप रानी भड़के जियारावा हो भोर के अंजोर लागे आँख के कजरावा देखी तोहर रूप रानी धड़के जियारावा जब दर्पण रूप तोहर
दर्पण रूप तोहर झांके चांद छिप जाला चांद छिप जाला बदरा में जाके जब हंसे लुकन थी दबा के जान चांद छिप जाला बदरा में जाके जब हंसे लुकन थी दबा के हम चाहता नहीं कि वो पंडितवा के ऐसन सबक सिखावल जा कि फिर कबो दोबारा हमरा ब्याह के चक्कर में ना पड़े। तू बेचारे के चक्कर में झूठे पड़ल बाड़ू। अरे कबो ना कबो तार ब्याह तो होई ना। देख डिंपलवा तू चुप रह। हमरा अंदर ब्याह वाली कोनो फीलिंग्स नहीं है और ना ही प्यार मोहब्बत वाली। अच्छा एगो बात बतावा, ते जब मुसीबत में रहली तब हम तोहर साथ देनी की ना देहलू? तो अब हम मुसीबत में बानी, तू हमारे साथ देबी की ना? देम बाबा। और तू लोग? हमने कहता हमेशा तुहरे साथ है बानी, तो बस आदेश दा का करे के बा। उहे तो दिमाग लगावे के पड़ी। ऊ देखा लोगिन आ गई पंडितवा। बस तू देखत जा दीदी, हमने के खेला। ए चला सन। पंडित जी हमारे हाथ देखी। अब बताई कहिया लगन चढ़ा था? पहले 101 रुपया निकाल। बाप रे 101 रुपया? और नहीं तो का? इतना पैसा नहीं खे हमरा लगे। तो कितना बा? 1 रुपया ना दे। ना ना, सुबह सुबह बिना दक्षिणा के हाथ देखब तो पूरा दिन खराब हो जाए। खराब तो वैसे भी होखे वाला बा। अरे बाप रे, अरे भगवान, अरे कौन? अरे हमार चश्मा। ये दोनों छोकरिया हमके पहाड़ा पढ़ा के चल गईली। मजा आ गए। ये पक्का रिंकुए के काम होई। हमहू देखत आनी कितना दिन हमरा के बेवकूफ बनावेलू। अब की बेर तोर बियाह करवाई के छोड़ब? अरे बाप रे बाप, केने जाई? चश्मा तो है नहीं के, लौकत कुछ नहीं के, लेकिन जाए के तो परवे करी। जाए हो। अरे अम्मा मर गई नी। अरे दादा, अरे दादा कहाँ गिर गई नी? अरे बाप रे, वो देखा बाबूजी, चला ना तो गड़बड़ हो जाए। भागा सा। अरे पंडित जी, क्या हो? बिना चश्मा के हमके लौकते नहीं के। अरे चश्मा पहनबा तब लौकी ना। अरे का बताई जजमान, वो दोनों छोकरिया हमार चश्मा में गायब कर दिया ली। बिना चश्मा के हमके लौकत नहीं के। अरे महाराज रुका तनी, आवत हई बताओ तनी। आई पंडित जी, आईली चश्मा पहनी ईली। अरे रामा शंकर जी। हाँ रउआ देखी अपना बेटी के करतूत हमरा जान के पीछे पड़ गई बिया। खैर कोनो बात ना, हम रउए घरे जात रहली। अच्छा राजवीर जी के जाना था नी? हाँ जाना था नी। उनकरा के राउर बेटी बहुत पसंद बिया। वहाँ के कहनी है कि कोनो शुभ मुहूर्त देख के लड़की देखे आ जाए। जा इतना बड़ा घर में हमार बेटी के बिया होता है, ऐसे बड़ खुशी का बा? दान दहेज के कुछ बात भइल? अब ओकर चिंता ना करी, उनकरा के राउ लड़की चाही दहेज ना। अच्छा तो हम अब जाता नी नहा धो करके, कोनो शुभ मुहूर्त देख के। हाँ। हम बतावत आनी। ठीक बा, आप जाई। ठीक बा पंडित जी, जाई नहा धो के आई। अरे दादा, अरे दादा आज तो सगरी जतरा बर्बाद हो गई हमार। का करी हम? बाप रे बाप, चल रे। हम कितना बार तू लोग से कही कि हमरा ब्याह नहीं खे करे के। दिमाग खराब बका तोर, ब्याह ना करी है। अपन उम्र देखा तारी, देखा था नहीं कैसे ना करे ले। रिंकू हर बात पे जबान ना लड़ाओ, जला जवानी लोग कहे मान ला। देखा था नहीं एकर रहन कैसन हो गेल बा? देखा कल देखा रू आवत आ रही, कल के मुहूर्त बा, एकरा के समझा दा कहीं ऊंच नीच ना हो जाए।
चुप हो जाती थी, काहे रोत रो। देखा बेटा, केहू के भी माँ बाप अपना औलाद के अपने से दूर रखे के ना चाहे ले, लेकिन ई जो रीत रिवाज चलत आ रहल बा, ओकरा के बदला नहीं खी जा सकत। और बेटी तो वैसे पराया धन होली, एक ना एक दिन तो दूसरा घरे जाए के ही बा। बेटी, ऐसा रिश्ता बड़ा भाग्य वालन के मिलेला। और लोग एगो कहावत कहेले कि जब बेटी सयान हो जाली तो वो माँ बाप के ऊपर बोझ हो जाली, लेकिन सच तो ई बा कि बोझ बेटी के ना गांव समाज के हो जाला। अगर समय से बेटी के ब्याह ना भइल तो गांव वालन के ताना सुन सुन के कान पक जाला। अगर अपना माँ बाप के इज्जत के थोड़ा भी ख्याल होके तो ये रिश्ता के मना मत करिया बेटी, समझ में आई? चल चला ठीक बा। का भाई? देख पार्टनर, भौजाई तो बहुत खूबसूरत मिलल बाड़ी, एकदम परी नियन। देने ज्यादा ध्यान से मत देख, ना तो नजर लग जाई। अच्छा सुन, कल लड़की देखे के जाए के बा, ते आ जाई हैं और मोटुओं के ले आई हैं। ठीक बा। और आदमी जैसन इना के हमार नाम खराब मत करिए। देखो पार्टनर, हाँ हम ऐसा माहौल बनाए कि भौजी हमरे नाम लिए। चुप बुड़बक, कुछ बोलत रहेला। अच्छा पार्टनर, हाँ? हम मार्केट जाता नहीं, भौजी खातिर कुछ गिफ्ट उफ्ट खरीदे के बा। ठीक बा ठीक बा ठीक बा, जाता नहीं।
माई बाबूजी तो हाथ गोड़ धोके हमरा पीछे पड़ गए बालो, बाकी हमो हार माने वाला नहीं खी। देख डिंपलवा, काल ऊ लड़का हमरा के देखे तो आई, बाकी ऊ हमरा तक पहुंचे के ना चाही। अब तोरा का करे के बा, कैसे करे के बा, तू समझ। ऊ लड़का के तो रोक दे, बाकी ओकर परिवार आए घरे तब तू का करबू। तू बुड़बो के हो का? जब दुल्हन आई तब बराती लोगा की का करी है? माई बाबूजी सगाई की प्लान बनाओ ले बा, अगर लड़का ना आई तब हमरा एगो और बहाना मिल जाए। देख डिंपल, का तू अपना बहन खातिर इतना ना कर सकेलू? दीदी तू चिंता मत कर, हम पूरा कोशिश करब की लड़का यहाँ तक ना पहुँच पावे, काहे कि हम अपना दीदी के चेहरा पे मुस्कुराहट दिखल चाहता नहीं। रोवत ना दीदी, दुनिया में तो हर लड़का अपना माँ बाप की उंगली पकड़ के चले सीखेला, लेकिन हम तो तहार उंगली पकड़ के खड़ा भइल बानी, और तोहरा खातिर तो हम अपन जान भी दे दे। हमार बहिन, हमरा के तोहर जान ना, तोहर साथ चाही। और अगली बार से ऐसन बात कबो मत बोली हा। सॉरी डिंपल, कुछ आइडिया आइल का करे के बा? अभी तो पूरा रात बाकी बा दीदी, कल देखिए तहार बहिन का करेली। ए चटू, हाँ मोटू, हमार हवाई जहाज तैयार हो गए, है देख। अब एके देख के बड़े बड़े लोगन के छाती फाट जाई। हाँ। कई लोग मुरझा के बैठ जाई है। अगर कोनो लड़की मिल गई तो? अगर कोनो लड़की मिल जाई मजा आ जाई। जान मारे गोरी तो छोटू, अरे विजय भैया आ गए। नहीं विजय भैया का हो? अरे तू लोग जे का करत अड़ा, और ई सब का है? ई लौकत ना बका है, हमन के देसी हवाई जहाज। लेकिन ये जहाजिया उड़ी कैसे? उड़ी कैसे? अब चला सन 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 भागी। बाकी सुन ला, हमार बेइज्जती हो जाए रास्ता में, लोग देखी तो का कही? डोंट टेंशन नॉट फिकर, तहार बेइज्जती खराब नहीं हो दे। तू हमनी के 20 लगी पहले ही छोड़ दिया, तू धीरे धीरे चला, हमन के अपना जहाज से आवत नहीं। आए ते आए जहाजिया से आए। अच्छा ठीक बा, चल। सही से बैठल नहीं है, यहाँ पर मत हिलल रही। अरे रे रे रे, ये रास्ता रोके के कौन तरीका है? ये हमार तरीका है रास्ता रोके के, तोहरा कहा? का? आई दोनों जोकर के हा? ए मैडम, हमन के जोकर ओकर ना है, हमन के है बिजनेसमैन। सामान खरीदिंग सामान बेचिंग, सामान खरीदिंग सामान बेचिंग। तू कुछ बेचे को तो बताओ। लेकिन शक्ल से तो तू लोग जोकरे लगा तरह। देखा लोगिन, हमरी बहुत जरूरी काम से जा रहल बानी, रास्ता छोड़ा और जायदा। अरे अरे ये का है? ओए ये हमार इलाका है, और यहाँ हमनी के इजाजत के बिना केहू एक कदम आगे ना जा सकेला। पार्टनर, हम कुकुरन के इलाका सुनले रहली। आज कल लड़कियों के इलाका होला का? ठीक कहता रहा पार्टनर, ठीक कहता रहा। अब हमनी के जाए के इजाजत दा? ना इजाजत ना मिली, पहले ही बतावा कि तू लोग जात कहाँ बड़ा जा। ये बात मोटू बताएगा। ये जाता रहे अपन मेहरारू देखे। मोटू और हमनी के भौजाई। एक काम करो जा। कौन काम हो? दूसरे रास्ता से चल जा, अभी हम जाते नहीं गुल्ली डंडा खेले। बोलो गुल्ली डंडा? कब तक गुल्ली डंडा खेलबो? तनी हमनियों के मौका दे खेले के। अरे दूसरा रास्ता तो हमनी को पता नहीं छे। तो हम का करी, पूछ लिया के हुआ और से? ए मैडम तू ढेर बोला तारू, अब तो हम यही रास्ता से जाए, चाहे केकरो इलाका हुई। ठीक ना, चाबी दा। चाबी चाहिए? हाँ चाबी दा। तो फिर ले जा। अरे यार तो हम लड़की देखे कैसे जाइब रे? ऐसन बहुत तिजोरी तुल्ले बानी। चल 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 तो छोटू, छोटू चल 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 बोझी 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 बोझी। चाभी निकाल के चोली में डाल के करा तारू बारी।
का गड़बड़ हो गई? कुछ ना माई, हमने के बाजारे गेल रानी कुछ सामान खा। अच्छा बेटी तू तैयार ना भैलू। ए डिंपल, दीदी के जल्दी से तैयार के ले आवा, बाहर सब इंतजार करत बाड़े। ठीक बा, चला। दीदी हमने के बहुत कोशिश करनी लेकिन कुछ ना भई। लागत हमरा के ही कुछ करी के पड़ी। सामान लाइल बड़े चला। लड़की बहुत बढ़िया भी आओ। बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा तो ये बताएं, रउआ सबके लड़की पसंद बाड़ी नू? हाँ बिल्कुल चकाचक पसंद बाड़ी एकदम। हमरा तो लड़की बहुत पसंद बाड़ी। अरे तोरा पसंद करे के बा कि लड़का के? चुप रह बा, साइज देखते नहीं के लड़की पसंद करी। ए दलाल जी शांत रह, चला शुरू करा। आ बेटा। आई देवर जी। रिंकू तू हमके बोलावलू है का? चला के दा। हम सिगरेट ना पी ही ले। लेकिन हम तो पियनी। जला के दा। अरे जब हम सिगरेट पियवे ना करेनी तो हमरा पास माचिस कहाँ से आई? अगर हमरा से ब्याह करे के बा तब सिगरेट पिए के पड़ी। अरे तू काबू तो सिगरेट का जहर भी पी ले। अगर हमरा से ब्याह करब तब हमेशा हमरा का ऐसे ने कपड़े में पाईबा। हम जाना तनी कि तू हमर घर के परिवेश में जेबू तो सब कुछ सीख जेबू। हाँ ऐसे हमरा में काबा कि तू हमरा पीछे ही पड़ गेल बाड़ा। अरे तोहरा में का ना बा, कबो अपने आप के देख लू हा आईना में जाके तू कितना सुंदर लागेल। इतना सब कुछ कैला के बाद भी तो के समझ में नहीं आवत कि हम ब्याह नहीं करे के चाहत। अरे तू चाह या मत चाह हम तोहरा के चाहता नहीं ना। तू चाहे कुछ हो करला बाकी हम तोहरा के नहीं बुला सकत। जब से तोहर फोटो देख ले बानी उ दिन से तू हमर सपना में रोज आवेलू और हमके बहुत तड़पावेलू। अब हमरा पास ब्याह के अलावा कोनो रास्ता नहीं के। अब सगाई तो हो गई, अब हमनी के शादी की तैयारी करे के चाहिए। अच्छा ठीक बा हम चला तानी, बाय। दीदी चाहे कुछ हो कहला लड़का बहुत अच्छा बा। अरे हमके पूरा विश्वास बा उतार बहुत ख्याल रखी। आजकल के जमाना में ऐसा लड़का मिलल मुश्किल बा। अच्छा ठीक बा हम नीचे जाते हैं तू कपड़ा बदल ला। काजी अरे अब तो ब्याह तय हो गई और रउआ से हम हर दिन कह रहा बानी कि बंटवारा के बाद कर ली लेकिन रउआ के कोनो परवाह नहीं के पड़त। अरे हमनियों के बेटी बिया ओकरो ब्याह शादी करे के बाद अरे वो सारा पैसा अपन बेटा पर लुटा दिहन तो हमने के का मिली? रउआ की चिंता बा बहुत चिंता बा लेकिन इस समय भैया से कुछ कहल ठीक नहीं है। पहले विजय के ब्याह हो जाये ओकरे बाद बंटवारा के बाद कर लिया जाये। खाक बंटवारा के बात हुई राउर चली नू ता कटोरा लेके भीख मांगे के पड़ी। ऐसा नौबत कभी ना आई। उ कहा ना भैया हमनी के इतना लाड़ प्यार से पल्ले बाड़े उनके सामने बोले की हिम्मत ना होला। रउआ लगे हिम्मत नहीं खे तो कह दी हम जाके भाई साहब से बात करब। अभी रुक जा समय आवेदा हम खुद बात कर ले। अब तोहरा के बीच में बोलला के कोनो जरूरत नहीं खे। बाबू जी ना एकदम पगलाई गेल बाड़े जवन जवन वो पंडितवा सिखावता उहे करत बाड़े। बतावा इतना जल्दी ब्याह के दिन रखी की का जरूरत रहे? तुरंत सगाई तुरंत ब्याह
मन तो करता ना कि ये सब छोड़ के कहीं भाग जाए। गुस्सा थूक दा दीदी, जवन होके के रहे वो हो गई, अब हाथ गोड़ पटकला से कोनो फायदा ना होई। हाँ हाँ, ते तो इहे चाहते बाड़ी कि हम ये घर छोड़ के चल जाए। लागता ना कि हम तोहरा भी कपारे पे ना बोझ बन गए बानी। सबके वो हमरा के भगावे के चक्कर में लागल बा, केहू हमरा साथ देबे वाला नहीं के। ऐसे काहे कहता रू दीदी, का हम तोहरा बिना अकेले रह पाए। जितना हम माई बाबूजी से प्यार ना करी ना, उतना हम तोहरा से करी ले। और हाँ, हमू तोहरा साथे चला, और जब तक तू ना चाहबू ना, तबले हम तोहरा के छोड़ के ना आए। बैठी भाई, तारा दुकान में जो सबसे सस्ता साड़ी होके ना वो दिखावा लोग के। मजाक कर बनी, सुना तनी बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखावा लोग के। ए अनामिका, देखा ना कितना सुंदर लगा था। बहुत ही सुंदर बा, दुल्हन पहनी है तो सुंदर लगी ना। ए भाभी, देखा ना सुंदर बा ना। बढ़िया बा। हाँ हो, ठीक है बा। अरे ये बहुत महंगा पड़ी, कम से कम 20,000 के। कोनो बात ना, पैक कर दिए एकरा के। ए भाभी, तू कुछ ना लेबू, कुछ ले ला। अच्छा ठीक बा, तू लोग खरीदारी करा, हम बचन खातिर ना दूसर दुकान से कपड़ा लेके आवतनी। हाँ हाँ, आवतनी। दिखाई दिखाई, देख ले लो, हमने के बेइज्जती करावे खातिर ले आए रहले। अरे आज तक 5,000 के साड़ी हमने के शरीर पे ना बा, और उन्हें के 20,000 के खरीदाता। रउआ तो जानते हो खब दीदी, हमर बिहौती डाल पड़ के सारी बस 5,000 के गईल रहे। पूरा पटीदारी में हमर इज्जत मर आ गई कि कितना सस्ता साड़ी ई लोग लेके आइल पड़े। एक काम करा, हमनियों की यही लग लेना, 2-4 को महंगा महंगा साड़ी ले लेवे के। तू तो जानते बाड़ू हमने के मर्द कितना मुँह चोर बाड़े, कब्बो हमने के इतना महंगा साड़ी नैखन खरीद ले। ठीक बा, एगो काम करी दीदी, रउआ जाई और बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा साड़ी हम दोनों खातिर पसंद करी। हाँ, हम बच्चन के कपड़ा लेके आवतानी, जाई रउआ। ठीक बा। अरे भैया, ये देखें, ये साड़ी बहुत बढ़िया बा। अच्छा बाना, ये ठीक बा। का भाई भाभी, कुछ ना मिलल का? अरे ना हो, उखनी लायक ना रहे, छोट बच्चन लायक कपड़ा रहे। ओ कैसा लगा ली? ये कितना के बा भैया? ये कम से कम 8,000 के पड़ी। अरे बाप रे, तो बहुत ही महंगा। लेला कौन दिक्कत नहीं है, दोसर दिखाई। अरे भौजी, सोचे क्या बात बा, लेला तरह बहुत सुंदर लगी। ठीक बा, पैक करी। हाँ। अरे का भैया, अभी कुछ पसंद ना आयल का? अरे हम तोहरे इंतजार करत रहनी। ए दुकानदार भैया, तनी महंगा महंगा साड़ी दिखावा। हाँ, ये देखी। सुंदर बच्चा बा, ये कितना के है? 20,000। एक पैक कर दा, पैक कर दा। हाँ हाँ, पैक कर दा। पैक कर दा। तनी और बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखावा। ये तोहरा पे बहुत अच्छा लगी, एहो के पैक कर दा। कौनो बहाना ना चली, लड़का का ब्याह हो तो टाइम से आए के हो, बस हमें जौन कहे के रलम कह देली। हाँ, ए कहाँ जात हुआ? काम हो गए ना सब ठीक से? हाँ भैया, सब हो गए। अच्छा काम करा, तनी उन लोगन के फोन मिलावा। सवेरे से लोग कपड़ा कीने गए हो, अभी तक कपड़ा ना किनाल का ऊ लगन के। अरे भैया, जहाँ मेहरारू खरीदारी करे जाली, वहाँ से इतना जल्दी कैसे ही है? अगर दू को कपड़ा खरीदे के होला तो पूरा दुकान उलटवा देली, तब वो पसंद ना आवेला। और यहाँ यहाँ तो पूरा घर भर के खरीदारी करे कहा, इतना जल्दी कैसे आ जाइए? सही कहता है भैया, तबे तो ऊ लोग के साथ ना गई नहीं। बहुत अच्छा कहला, बहुत समझदारी का बात कर। जी मालिक, बोली। हाँ देखा, गाँव में जाके सबके बोल दो कल बराते चले के। अच्छा, कोई घर छूटे के ना चाहिए, समझ गए ना? जा। ठीक बा मालिक, हम अबे सबके बोल के आवत हैं। जा फटाफट जा। सुना, हम विधायक जी के यहाँ जाते ही न्योता देवे, अब तक घर पर सब काम निपटा दिए, खाली मत बैठे। ठीक बा भैया। हाँ, चलो जल्दी चलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं योगिनिद्यां गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शारण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुरा नमस्तुते। ओम अग्नि स्वाहा, यहाँ आहुति समर्पित करी। ओम ग
गजाननम भूतगराज सेवितम कपितजम फलचार भक्षणम उमांसुदम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश पाद पंकजम। यहाँ रख दी। अब दूल्हा दुल्हन सात फेरों के लिए खड़े हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिरा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं योगिनिद्यां गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इति श्री विवाह संपन्न अभवत्। पता ना का पहना देले बाड़े सन, लागत आ कि पूरा देह बंधा गेल बा। अब ठीक बा। रात में तो हर एक पत्नी अपना पति के इंतजार घूंघट में करेली, बाकी तो हाफ पैंट में सुतल वाड़ी। खैर कोनो बात नहीं है, भगवान बहुत खूबसूरत बनवले बाड़े। अरे हम वह तो करा था नहीं जवन सुहागरात के दिन हरेक पति अपना पत्नी के साथ करेला। हमरा और पत्नी उतनी ना है। अरे ये कैसन मजाक करा था लू? हमनी के ब्याह भइल बा, ब्याह भइला के बाद हरेक पति के अपना पत्नी पर इतना अधिकार होला कि अपना पत्नी से प्यार कर सकेला, छू सकेला। हम कहले रली का कि हमरा से आके ब्याह करी। देखी हम एक बात साफ साफ कह देता नहीं कि हम अपन मर्जी से ब्याह नहीं कहले बानी। हमारे माई बाबूजी जबरदस्ती करा देले बाड़े। हम तो बस उन लोग की इज्जत रखे खातिर ब्याह कर ले बानी। और वैसे भी हमरा ने ब्याह व्याह में कोनो दिलचस्पी ना। तो प्लीज ये जवन तू करे के चाहत रहनी ना, ये हमरा के बिल्कुल पसंद ना। ठीक बा, जब तक तू ना चाहबू आज के बाद तोहरा कबो ना छुआ। साइड हटी। अब ठीक बा। जोर जोर
से गाना गावे की का जरूरत बा? गाना धीरे नहीं खिगा सकत लोग। पूरा नींद खराब हो गई हमारे। दीदी क्या करता रू? चल, अरे चलो ना। विजय का हो सब तू अपने मेरारू के घर का चाल चलन मान मर्यादा पहनावा कुछ न बतौला आज तई गलती हो गल आगे से न हो की चाहिए देखी हम बचपन से यह सब कपड़ा पहना ताइल बानी और आगे भी यह सब पहना हमरा से साड़ी वाड़ी ना पहनल जाए अरे तो ई सब अकेले में पहना लेकिन पापा जी और चाचा जी के सामने ढंग के कपड़ा तो पहन सकेलू हमरा तो बाबूजी बाड़न लेकिन आज तक वो हमके कब्बो मना ना कैलन तो रवलो काहे मना करत बानी रिंकू वो तोहार नैहर रहे और ई ससुराल है नैहर में जौन मर्जी तौन पहन सकेला आदमी जौन मर्जी तौन कर सकेला लेकिन ससुराल में अपना आपके बदले के पड़ेला और वहाँ के हिसाब से जिए के पड़ेगा देखिए हमके ढेर मत समझाई हमरा जैसे मन करी हम वैसे नहीं रहब भाभी रउआ जाई हम समझावा तनी समझावा इनकरा के कुछ दीदी सब का ऐसे रबो तो कुछ दिन बाद घर वालन तरह से नफरत करने लगी है हाँ तो का हो जाए करी तो करी वैसे भी हम तो चाहते बानी कि ये लोग हमरा से नफरत करे और हमके हमारे घर भेज दे तब के समझावन मुश्किल बा भगवान ना तहके दिमाग में एक पैसा के संस्कार नहीं खंडन ले हाँ माई प्रणाम खुश रहा का हो का समाचार बा सब ठीक बा माई रिंकू कैसन बाड़ी दीदी भी ठीक बाड़ी तनी बात करावा ता ला हाँ माई प्रणाम खुश रहा हमार बेटी कैसन बाड़ू माई राउर बहुत याद आवता अबहीं ता एके दिन भइल तोहरा के गइले चार महीना राबू तो सब ठीक हो जाई और हमनी के याद भी कम आई अच्छा सुना डिंपल के फोन आई रहे कॉलेज से परसों से ओकर प्रैक्टिकल के परीक्षा शुरू होखे वाला बा तो कल कैसे हूँ ओकरा के भेज दिया अरे हम डिंपल के बिना कैसे रहब बेटा एक के हफ्ता के तो बाद बा बाद में फिर चल जाई ए सुना तरु अच्छा सुना तोहर बाबूजी बुलावत रे हम जाता नहीं का भेल दीदी इतना उदास काहे हो गेलू परसों से तोहर प्रैक्टिकल के एग्जाम शुरू हो जाए तोहरा घरे जाए के पड़ी ते में इतना उदास होके वाली का बात बा आखिर वो तो जरूरी बा ना हमर प्यारी बही तू चिंता मत कर तू जब बुलाइबू हम दौड़ के तारा लगे चलाई हमरा के तो बुझा गई कि एकरे अंदर संस्कार नाम के कोनो चीजें नहीं थी बेकार लड़की भैया हमरा के तो लगा था कि पूरा घर के सत्यानाश करिए के छोड़ी कपड़ा तो ऐसे पहनाती है जैसे अमेरिका से आई भी आई ए भाभी जितना जल्दी होखे ना हमने के आपन हिस्सा लेके अलग हो जाए के ना तो एकरा साथे साथे हमनियो सब बदनाम हो जाए अरे हमरा तो ई डर लगत अटे कि अगर एकर पहनावा के बारे में गांव जवार के कहीं पता चल गई तो बड़का भैया के ना इज्जत बनल बनावल ना सब माटी में मिल जाए जब ले आइल बाड़े तो बुझी है हाँ। हमार छोटकी बहन के बेटी खराब रहे अरे कहानी कितना बार कि विजय के शादी ओकरा से करा दी लेकिन ये बुढ़वा हमारे को न सुनलस अब ले आइल बाड़े भुगतस वाह कितना सुंदर भाईजा के नजारा यही बात पे एक बार सेल्फी हो जाए जब से रोवाइल बनी तब से देखा तनी खाली सेल्फी में बिजी रहा तनी हमारा पर तो ध्यान ही नहीं खे काहे दी रउआ पे ध्यान रउआ हमार मरद है का अरे ना ही तो बना ली हमरे बगा अच्छा ना लगे का अरे ऐसा कोनो बात नहीं के रउआ अच्छा तो बढ़ले बानी लेकिन कहा ना हम अपना माए बाबूजी के मर्जी के खिलाफ ब्याह नहीं की कर सकत उ लोग जहाँ कही वही जे ब्याह करब ठीक बा हम रउआ माए बाबू से जाके बात करब अगर वहाँ के लोग मान जाये तब तहरा अंदर इतना हिम्मत नहीं खे कि हमरा बाबूजी से जाके बात करा वह ब्याह के बारे में ठीक बा हमहू देखा तनी हमारा अंदर हिम्मत कितना बा कोशिश कर ली ठीक बा Thank you.
भगवान जब केहू के सुंदर बनावे ले ना तो ओकरा में कोनो ना कोनो कमी जरूर छोड़ देवे ले। जैसे कि तोहरा बहुत सुंदर बनौले बाड़े, बाकी तोहर गुस्सा नाके पे रहला, पता ना तोहरी गुस्सा कब प्यार में बदली। देखी ऐसा जबरदस्ती कल ठीक नहीं है। अरे रवो वादा कर रही ना कि बिना हमारी इजाजत के हमके छुअब ना, फिर कहाँ गई वादा? देखा हम तोहके जानबूझ के ना पकड़ ले रहे, ना तू बहुत सुंदर लागत रहो, ऐसे हमके बर्दाश्त ना भाई, और हम सपना में तोहके पकड़ ले रहे और ये सपना हकीकत में बदल जाए हमरा पता ना रहे। ऐसा सपना ना ही देखी तो ठीक रही हमने खातिर। अच्छा सुनी, कल डिंपल के घरे जाए के बा केहू से भेजवा दी? अरे अभी तो डिंपल के अला दो दिन भेवे कैल बा, परसों से ओकर एग्जाम बा। ठीक बा, हम संदीप के कह के भेजवा देता नी। ठीक बा, सो जा। डिंपल आवे वाला रहली अभी तक ना आई। अरे जीजा जी आप ते होइए लोग। हाँ, लो आ गई। आ गए लोग। आवा आवा आवे में कोनो दिक्कत ना भेल ना? ना मामा जी कोनो दिक्कत ना भई। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो। नमस्ते। अरे माला कुछ पानी वानी पिलावे के इंतजाम करा। ठीक बा लावतनी, चल चल आवा बैठा। माई और का हाल चाल बा, घर में सब लोग ठीक ठाक बाड़े ना? ठीक बा। अच्छा बाबूआ पढ़ाई लिखाई ठीक चलत बा ना? जी मामा जी, अगला साल तक फाइनल ईयर के एग्जाम ली बाबू। पानी पी ली। अरे शर्मा कहे बानी, ससुरारी में शर्माइल जला ली ना? नुआ खाए तो हमें क्या देता नहीं, खाए खाए खाई ना और खाई ली खाई। अरे अपने घर बा खा ली खाई ली पनियो पी ली। अरे पी 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 हम पिला देता नहीं ससुराल है, इतना थोड़ी ना शर्माइल जला। लैकन कुल पढ़े चल गई ना? हाँ दीदी सब चल गई। अच्छा चाची जी इली खीर खाई बताई कैसन बनल बा? के बनौला हरे? का भेल चाची जी? पहले ही बतावा बनौले के बा। छोटको बनेले बाड़ी। कहाँ भी आऊ? किचन में। चल चला। का हो तहार माई चीनी और नमक में फर्क नहीं के बतौली का? ऐसे ही खीर बनेला, चीनी के जगह नमक डाल देले बाड़ू। देखी जवन कहे के बा हमरा से कही, हमरा माई के कुछ मत कही। कहे ना कही, सारा गलती तो उन करे बा। अगर तहरा के चीनी नमक में फर्क सिखौले रहती ता तू खीर में चीनी के जगह नमक ना डालतू। तहार लच्छन हमरा के कुछ ठीक नहीं लागत। अब रउवा ढेर बोलता नी, बात के बतंगड़ ना ही बनाई तो अच्छा रही। हा? अरे देखत बाड़ू लोग कैसन जवान लड़ावा दिया। चाची जी रहे दीना, पहली बार बनेले बाड़ी धीरे धीरे सीख जाई है। हमरा तो नहीं लागत की कुछ बनावे सीखी, जब खीर बनावे के ना एकरा लूरे नहीं खे तो खाना कहाँ से बनाई। जेकरा के खाए के बा वो खुद दे बनाई और खा ली, ये सब अब हमरा से ना बनी। अरे देखत भाड़ू एकर घमंड कैसन बोलती हो? अरे का भइल, किचन में कुछ गिरल रहे का? हम तहरा से पहले ही कहले रहनी ना कि हमरा के खाना पीना बनावे ना आवेला, फिर का जरूरत रहला हमरा से जबरदस्ती खीर बनवावे के? तोरा घर के रीति रिवाज के चक्कर में ना हमरा 10 गो बात सुने के पड़ता। अरे रिंकू का भइल, देखला देखला एकर घमंड, एक तो गलती कर ले बिया, ऊपर से जबान लड़ावा दिया। अरे चाची भाईल काबा कुछ बताइबा लोग। लखा खुदे समझ में आ जाई। अरे एमे तो नमक बा। हाँ तो गलती सही करी तो आदमी ओकरा के बोली डाटी ना। चाची उ का है ना कि अभी वो नया नया बाड़ी, खाना उना ना बनावे आवेला, हो सकेला चीनी समझ के नमक डाल देले हुई है। छोड़ा जाए दा, माफ कर दा, धीरे धीरे सीख जाइए। वाह बेटा मेहरारू के आयल दुइयो दिन ना भइल, अलगला ओकर पक्ष लेवे। अरे ऐसन गलती हमने कैले रहती ना ता तोहार चाचा हमने के मार डाले रहतन। अरे बेटा तोहरा तो ओके समझावे के चाही आ तू ओकर मन बढ़ावत बाड़ा। नया नया मेहरारू आयल बिया ना तो पक्ष तो लेवे करिहन। अरे चाची ऐसन कोनो बात नहीं खे, चलो अब कोनो बात नहीं खे। अरे जायदी देवर जी रउआ ज्यादा मत सोची। हाँ। हम चाची लोग के समझा दे, रउआ जाई अपना कमरा में। ठीक बा। अरे भाभी किचन में खीर कैसे गिरल बा? अरे हमने से काहे पूछत बाड़ू,
जा और नौकी से पूछा। अरे ओकरे अंदर इतना घमंड बा, इतना घमंड बा, केहू के कुछ बुझते ना बिया। हमनी के सामने ही खीर के बर्तन उठा के पटक देने सिया। पहले ही बतावा, अरे चीनी के जगह खीर में नमक डाल दी ता केहू ओकरा के समझाई ना, डांटी ना ओकरा के। लेकिन ओकरा ओकरा इतना घमंड बा, हमनी के अइले इतना दिन हो गइल, कबो केहू के शिकायत के मौका मिलल नानू। लेकिन वो महारानी ता दुइये दिन में अपन रंग दिखावे लगली। एगो बात सुन ली मुन्नी बबनी, ओकरा रहन से हमरा लगता ओकरा के दबा के ना रखल जाई तो कुछ दिन के बाद वो मलकाई आ हमनी के नौकरानी बना के रखती। देखो किया में तो चेहरा मोहरा से बड़ा नीमन लागत रहे, बाकी ऐसे निकली कब बस सोच लेना रहनी। जे चेहरा मोहरा से नीमन होखेला नू वो ऐसे ही नागिन होखेला, उहे नागिनी बाड़ी। अच्छा कौनो बात ना, अभी नया नया बिया, कुछ दिन बीत जायदा, अगर ना समझ पाई ना तो समझावल जाई। हमरा कुछ समझ में नहीं आवत माई, हमरा बस के बात नहीं है सब, हमरा से ना होई। तोहरा के कितना बेर समझौले रानी कि खाना बनावे के सीख ला, लेकिन एको बार हमार बात ना मान लो। अगर सीखले रहती तो ही कुलना नु होई। अरे ससुराल में कोनो भी पतो कुछ भी करे सारा दोष ओकरा माई के ही आवेला। देख माई, अगर तोहरा के केहू कुछ कही ना तब हमरा से बर्दाश्त ना होई, मुंह तोड़ दे दोनों जनी के। ढेर बोले तारी सन बुढ़िया। बेटा बड़ लोगन के जवाब ना दिहल जाला, कुछ भी कहे चुपचाप सुन लेवे के चाही। ऐसन कोनो काम मत करिया कि जेकरा वजह से तोहरा के कुछ सुने के पड़े। देखा माई, वैसने हमारे दिमाग ना बहुत खराब बा, अब तू हमरा के मत सिखावा, फोन रखा तानी। हे भगवान, एकरा के सद्बुद्धि दी, अगर एकर ऐसने हरकत रही तो कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। रिंकू, चाची लोग के बात पर ध्यान मत दिया। अरे वो लोग के वैसने विचार बा, बाकी धीरे धीरे तोहरा के सब लोग समझ जाए, सब ठीक हो जाए। हमरा आवे में एक दिन लग जाए, तू अपन ख्याल रखिया और केहू से लड़ाई झगड़ा मत करिया। से बिना पूछ ली तारा छुए के कोशिश कहनी। बाकी एगो बात कही रिंकू, जब के घर से बाहर जाला ना तो ओकरा खुशी खुशी बाहर भेजल जाला, ऐसे गुस्सा से ना। बेटा कहीं जाता ना का? हाँ बाबूजी, रउआ के बतावले रहनी ना कि हमरा एक दिन खातिर शहर जाए के पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, बनारस मिल वाले काम से का? हाँ, अच्छा, अच्छा। सुबह सुबह गुप्ता जी के फोन आयल रहे कि सारा कागजात रेडी हो गयल बा, खाली एग्रीमेंट साइन करे के बा और काम चालू हो जाये। बहुत बढ़िया बात है, एक काम करा संदीप के ले जा, तोहार मन लगल रही ना। बाबू जी, संदीप रउआ के साथे रहे, राउर काम में भी हाथ बटाई और राउर सेवा भी करी। और सुन बाबूजी के एक मिनट भी छोड़ के नहीं खे। अच्छा ठीक, हमेशा साथ में रहिए। ठीक बा भैया, हम बाबूजी के छोड़ के कहीं ना जाए। वेरी गुड। काम करा, जा आराम से, अपन ख्याल रखिए और काम खत्म करके जल्दी से जल्दी घर आइए, समझ लेना। हाँ ठीक बा बाबूजी, आराम से जा। प्रणाम। जा आराम से। बाय भैया। सुन, बाय बाय बाय। संजय के मुखिया जी के लड़का का जन्मदिन हो, चले के हो, सब तैयारी कर लिए, ठीक हो ना? ठीक बा बाबूजी। हाँ कहा हो? अरे ऐसा खाना तो हमनी के जानवरों सों के छोड़ देला, आई खाना तो हमने ला बनौले बाड़ू। एकर जितना इज्जत कइल जाता ना उतने ही कपार पे चढ़ल जाती है। सवेरे से लेके सांझ ले एको को काम अच्छा से नहीं खे कइले। और का, आज तक ही घर में इतना घटिया खाना कबो न बना लाल, पूरा मूड खराब हो गई।
हाँ तो की कहला हा? हमरा से खाना बनवावे के अपना मेहरारू से बनवा के खा लेती। हम बार बार कहता नहीं कि हमरा खाना बनावे ना आवेला, फिर का जरूरत रहला हमरा से जबरदस्ती खाना बनवावे के। तीनों जनी महारानी लेखा घर में बैठल रहता रही लोग, हर रोज रोज कोनो न कोनो काम तो रेडी रहता। कबो कपड़ा परेस कर दा, कबो पानी ले आए के दा, कबो हाई कर दा, कबो हाउ कर दा। अरे आज तक हम इस सब काम कैले ही नहीं के, फिर कैसे करी? बड़े लोग से ऐसे बात कर जाला। तुहार माँ बाप कुछ सिखा के नहीं खे बिजले का, एक को पैसा के संस्कार नहीं खे बा। अच्छा तू तो बोला ही मत, खुद अपन मरद के लेकर के हेजा पड़ल बाड़ी, मुफ्त के रोटी तोड़ताड़ी और हमके संस्कार सिखावताड़ी। अगर तहरा अंदर इतना संस्कार होतना तो है जाना अपना घरे रह तू। अरे वो लोग मौका दिखत बानी जी, अब ही कम बेइज्जती भइल बा, चली जाइए जैसे अपन सारा खाना ही खुदे खाओ। देखा ये बात अगर बाबूजी के पता चली ना तो का सोचे अपने मन में, तनी तू समझाओ इनका के। रिंकू देखा बाबूजी के सपना रहल है कि वहाँ के जब तक जिंदा रहम तब तक सब कोई एक साथ रही, यही से सब लोग एक साथ रहला। अगर तू ए तरीका से रहबू तो पूरा घर बिखर जाए। हाँ तो का करी, एक तो ये घर में रहत रहत ना हमार दम घुट गई बा, ऐसे बुझाता कि जैसे जेल में बंदवानी। और वो हमके कहता नहीं कि इन लोग की इज्जत करी, अरे ऐसे लोग की ना कुछ कुछ के मारे के चाहिए। बड़का एलबानी हमके संस्कार सिखा ना, अब हम ना रुकब, आपन बेइज्जती ना करा सकीले और होकर इतना हिम्मत कि हमारा कुछ भी बोल दी। देखिए शांत हो जाए, जवन चीज खातिर हमने इतना दिन से रुकल बानी वो सारा का सारा बेकार हो जाए। देखिए जी काल सवेरे अगर बंटवारा के बात ना भइल ना तो हमें घर में एक मिनट भी ना रहा, अब हमने से उनकर पतोह के गर्मी बर्दाश्त ना हुई। अच्छा ठीक बा, काल सवेरे हम बात करब, ठीक है ना? रउआ ऐसे ही मुँह लटका के बैठल रहा कि रउआ कुछ बोलम, खाली हमरे सामने मुँहवा चलेला। अब बड़का भैया के सामने गईला पर मुँहवा चुप हो जाला। सुनी चुपचाप जितना अपन हिस्सा बनाता लेके किनारे हो जाई, ना तो हमरो ना बैग उठावे में टाइम ना लगी। काल ठीक समय बा, रउआ अपन बात रख दे, अगर भैया ना मनिए ना तो ओकरो उपाय बा हमने के लगे। तू इतना परेशान काहे बारू, अभी नया नया आई बे घर में, कुछ दिन रही ये घर के कायदा कानून सीख जाई। काहे हमहू तो नया नया आयल रही, कब ऐसा सुने के मिलल रहे का, उ तो ऐसे बात करती है हमरा से जैसे हम ओकर कुछ लगबे ना करीला। अरे तू इतना खिसियात काहे बारू, अब खिसियाल दूसरा छोड़ा ठीक बा, अब मुस्का दे थोड़ा सा। अरे मुस्काओ ना, अरे मुस्काओ ना, अरे बोला भैया। अरे तू लोग, हाँ बा बैठा बैठा ना। ठीक बा भैया। का भाई? भैया एगो बात करे के रहा। का बात करे के भैया? हमने ये कहल चाहता नहीं कि हमनी के एक साथ रहे में अब दिक्कत हो रहा बा, अब छोटकी दुल्हनियों के इतना बड़ा परिवार देख के परेशानी हो रहा बा, हमनी के। अरे बतियाई, ई कहल चाहता नहीं कि जौन भी जमीन जायदाद के हिस्सा बा ओके बंटवारा कह दी, ताकि हमनियों के अपन परिवार के साथ अकेले रह सके। भैया हमनियों के एगो सपना बा, जब तक ई घर में हमनी के रहब तब तक हमनी के कौनो सपना पूरा ना होई। हाँ साले साहब, ससुराल में कब तक रहब? आ जौन हिस्सा बाड़ी देख बा हमरा के दे दी, हम मुन्नी के साथ अपने घरे चल जाब। तोनी का दिमाग खराब हो गए लोग का, है? तू लोग के समझ में आवा तो कि तू लोग का कह रहल बाना? अरे ये तू लोगन का घर ना हो, यहाँ रहे वाला लोग तू लोगन का परिवार ना हो, ऐसा तू लोग सोच कैसे ले ला? हमारा जीते जी ना तो जायदाद का बंटवारा हुई अंदर कोई अलग रह जाए। एक बात कान खोल के सुन ला तू लोग कि जब तक हम जिंदा बानी तब तक नहीं घर के बंटवारा हुई, ना कोई घर से अलग नहीं।
अरे हमरे खानदान का परंपरा हो। तो ठीक बा, रउआ अपन खानदान के परंपरा निभावत रही। हंटी जी, और हमने भी अपन खानदान के परंपरा निभावत बानी जा। अरे हमरा के पता रहे कि भाई साहब ना मनी है, ऐसे पहले से सामान अपन पैक करके रख ले रही। अरे हमने के का गलत कहनी है जी, अपन हिस्से ना मंगले बानी। अरे 15 साल हो गयी राउर इशारा पे नाचत हमनी के, अब राउर पर तो ही हो नचावत दिया है। चुप रही जी। अरे ओकर घर में अब हमने से बर्दाश्त नहीं के होत। अरे एक घर में तो अब एक मिनट हमारा रहन मुश्किल हो गयी बा, चली जाए जैसे। शंभो, घर के इज्जत जब घर के बाहर निकल के जुबान लड़ावे लगे तो समझ लो घर के बर्बादी निश्चित था। अरे मैं सबसे बड़ गलती होकर होला जोन जुबान लड़ाए वाले के रोके ना। अरे तू लोगन के प्यार में हम कोनो कमी कर ले रही, कहा कि अपने मेहरा रून के बात में आके अलग होए के बात करत हुआ। बचपन से पाल पोस के पढ़ के ली, अपने लड़कन से भी ज्यादा प्यार कर ली, तू लगन के हर जरूरत पूरा कर ली। अरे ये दिन देखे खातिर। अरे मुंह का देखा ताड़ा है, चल बोलो गया जैसे। चली जी, चली चली ना, हम बड़का पापा के छोड़ के ना जाए, बड़का पापा हम ना जाए। चल असन, कैसे ना चल पसन है, चल 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 बड़का पापा के, चल रे बड़ा बड़का पापा वाला भाई बारे, चल। तो हुई लोगन के बातें में आके हमके छोड़ के चल जी बुका। भैया जवन घर में हमरा पति के हमार आंखी के सामने बेइज्जती होत होके वो घर में हम कैसे रह सकत बानी, हमरा के माफ कर देव। चली जी। हाँ। रघुवीर तुहार ते जियल बेकार बा, सदियों से चलल आ रहल तुहार खानदान के परंपरा आज खत्म हो गई। अरे तोरे सामने तुहार पूरा खानदान बिखर गए, तू जी के का करबा, तोरा के धिक्कार होए के चाहिए। तोहर भाई भी तोहर साथ ना देलस, कोई तोहर साथ ना देलस, तुझी के का करबा। कुछ बोली ना पापा जी। बाबूजी के पता ना जी, डॉक्टर साहब अभी ले बाहर नहीं है। भैया बाबूजी ठीक हो जाए ना? सब ठीक हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब कैसे मरी बाबूजी? इनको सीरियस मैसिव हार्ट अटैक हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था, उसी के आधार पे मैंने उनको भर्ती कर लिया है। शाम तक मैं उनकी छुट्टी कर दूंगा, लेकिन उनको घर ले जाकर भी आपको बहुत ही सुकून एंड काम ठंडा एटमॉस्फेयर रखना पड़ेगा, खुशनुमा माहौल रखना पड़ेगा जिससे जल्दी रिकवर हो सके। ये दवा लेकर उनको खिलाते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या मैं अब उनसे मिल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल जाके मिल सकती हैं, डिस्टर्ब मत करिएगा, उनको आराम से लेटे रहने दीजिएगा। बाबूजी 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 ए बाबूजी कुछ बोली ना। रेणुका तू कहाँ चली जा, घर वाला से कुछ ना हो, एकदम ठीक है रेणुका। हमरा पता बा बाबूजी कि रउआ कितना ठीक बानी और एकर वजह भी पता बा। आज तक तो और हर गलती के ही समझ के माफ कहनी कि तू ना समझ बाड़ू ना दान बाड़ू।
धीरे धीरे घर के माहौल में रहबू, सब कुछ सीख जाइबू, सुधर जाइबू। लेकिन तोरा ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ा गलती कैनी। अरे तू वही पहला लड़की रहलू ना जेकरा के देख के हमरा पहला प्यार भइल रहे। वो इतना प्यार कि आज तुहर पति होके के बावजूद तुहर प्यार पावे खातिर तड़पत भरी। अरे हम सोचनी कि कबो न कबो तहरा अंदर हमरा प्रति प्यार तो जागी, लेकिन आज तक ना जागल। जागल तो सिर्फ और सिर्फ नफरत जागल। अरे तू औरत ना कलंक बाड़ू कलंक। आज हमर पूरा परिवार बिखर गए, हमर बाबूजी के हार्ट अटैक हो गई सिर्फ और सिर्फ तोहरे वजह से। तू हमर घर आबाद करे ना बर्बाद करे आल बाड़ू। और जेकरा वजह से हमर घर बर्बाद होई ओकरा ई घर में रह के कोनो जगह नहीं के। दबा जा। जी, पता न कहे आज हमार मन बहुत घबराता। बार बार रिंकू के ख्याल आवता। एगो काम करी ना, कल भैया के साथ ही जाके ओकरा के देखाई। हाँ बाबूजी, हमरो की दीदी के बहुत याद आवता। अरे रिंकू, रिंकू का भई बेटा, तो एजा कैसे? का भई, कुछ बताई बू, रोत का है बाड़ू? सब ठीक तो बा ना? बोलत काहे नहीं खू? मैं विजय जी हमके घर से निकाल देले। ऐसे कैसे निकाल देले घर से? वो बिना कोनो गलती के? गलती बा माई दीदी, सबके सब हमार गलती बा। बेटा साफ साफ बताइबो आखिर बात का बा? What nonsense? इतना जोर जोर से गाना गावे की का जरूरत बा? जेकरा के खाए के बा वो खुदे बनाई और खा ली, ये सब अब हमरा से ना बनी। है का है हो? अरे ऐसा खाना तो हमनी के जानवरों सों के छोड़ देला। हाँ तो के कहला हा हमरा से खाना बनवावे के? अरे आज तक हम इस सब काम कैले ही नहीं के, फिर कैसे करी? अरे ओकर गर्मी अब हमने से बर्दाश्त नहीं के होत। और जेकरा वजह से हमर घर बर्बाद होई ओकरा ई घर में रह के कोनो जगह नहीं के। बेटा महान बाऊ घर, महान बाऊ घर के लोग इतना सब कुछ भइले के बाद भी तोहार एको शिकायत सुने के ना मिलन। ऐसन घर परिवार बहुत नसीब से मिलेला बेटा, और तू ओहे लोगन के बर्बाद कर देलू। जब लड़की के ब्याह हो जाला ना तो वो अपन नैहर के हर चीज भुला के अपना ससुराल के हो जाली। लेकिन तू अभी तक मायके में रह गई लू, अपना भविष्य के बारे में एको बार ना सोच लू। बेटा ऐसे रहबू तो तुहार जिंदगी कट जाई, ऐसे रहबू तो का तुहरा पति के सुख मिल जाई? ऐसे अकेले तू अपन जिंदगी काट लेबू? ना बेटा ना, एगो शादी शुदा लड़की के खातिर पति के सुख और ओकर ससुराल बड़ा मायने रखेला। चाहे कुछ हो जाए ओकरा खातिर उहे ओकर घर परिवार और संसार होला। अब तू अपन संसार के इतने दिन में मिटा देलू? हम तो सोच ले रानी कि बिया भइले के बाद हमार बेटी सुधर जाए, अपन नया जिंदगी की शुरुआत करी। लेकिन हमार बेटी ऐसन निकली, ये हम कब्बो ना सोच ले रानी। रिंकू तू जोन कहले बाड़ू ना वो बहुत गलत था। डिंपल इनका ले जा कमरा में। चला दीदी। का रामाशंकर, अब का हुई? वो लोग बिटिया के माफ करी है कि ना? अब का बताई साले साहब, ये जोन कर्म करके आई भी है ना वहाँ गैलो में शरम लागत बा। हे भगवान। भैया शंभू दरोगा, हमरा के पूरा विश्वास रहे कि हमरे बीमारी का खबर सुनकर हमार भाई लोग जरूर रही हैं। बहुत अच्छा किला तू लोग। तू लोगन के परिवार कहाँ हो? बैठा बैठा तू लोग। भैया हमनी के यहाँ बैठे ना आयल बानी, कुछ जरूरी बात करे आयल बानी।
राउर तबियत खराब सुन के हमनी के अस्पताल गेलन है। डॉक्टर से पता चलल कि अब रउआ ज्यादा दिन के मेहमान नहीं खी। यही से हमनी भागल ही जाइनी और कुछ हो जाए आपके तो हमनी के तो बर्बाद हो जाए। हमनी कहीं के ना रहा भैया, भैया हमनी पर तरस खाई भैया। मरे से पहले जितना भी हिस्सा जायदाद के बा हमनी के नामे कर दी भैया। शंभो, मरे से पहले हमरो एक आखिरी सपना रहे कि हमार परिवार हमरे सामने हंसी खुशी से रहे। परिवार? लेकिन अब हमरा लागत है कि हमारी सपना सपने रह जाए। अरे पागल, हम तो ही सोच के बंटवारा ना करत रही कि कम से कम सब लोग साथे रहल जाए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आवल जाए। जायदाद लेके हम का करे, हमें बहुत दुख होता है सब सुन के कि अपने भाई के जान से ज्यादा तू लोगन की ज्यादा प्यारा हो गई। ठीक बा, जब तू लोगन की ईहे में खुशी बा तब हम अपन आधा का पूरा जायदाद तू लोगन के नाम कर देता। नहीं ना बाबूजी ना, ऐसा रहुआ कुछ ना करा। वाह भाई होके तो तहरा लोग जैसा। अरे तनी शरम करा तू लग, शरम भाई के जिंदगी के तनिको ख्याल नहीं के, लेकिन तोहरा लोग इनके अपना धन दौलत जमीन के ख्याल बा। आज बाबूजी के जवन हाल भइल बा एकर सिर्फ जिम्मेदार बड़ा तो तू लोग। अरे का गलती बाटी बाबूजी के ये नु कि सब लोगन के एक साथ लेके चले के चाहत रहे। चाचा जी ऐसा भाई बहुत किस्मत वाला की मिलेगा, शायद रहू अपना भाई के पहचान ना पाऊनी। लेकिन एगो बात कान खोल के सुन ली कि जब तक हमारा बाबूजी के आखिरी इच्छा पूरा ना हो जाए तब तक की जमीन और जायदाद कुछ ना मिल पाई। तो ठीक बा, हम देखा था नहीं तू कैसे हमने के अपन हिस्सा लेवे से रोक देता रहा। अगर तू लोग चाह के भी हमने के हिस्सा लेवे की कोशिश कहिया तो ठीक ना होई। चल दरोगा। चला बाबूजी, सब ठीक हो जाए बाबूजी, रुआ चिंता ना करें। हमरा और पत्नी उतनी ना है, हम कहले रली का कि हमरा साके ब्याह करी। देखी ऐसा जबरदस्ती कल ठीक नहीं है, रहो वादा कर रही ना कि बिना हमारी इजाजत के हमके छोड़ना, फिर कहाँ गई वादा। सॉरी, हम तोरा से बिना पूछ ली तारा छुए की कोशिश कहनी। दीदी जब से तू आई बड़ू तब से तू आंसू बहावा तरू, अब तो चुप हो जा। पता ना कहे आज उनकर बहुत याद आवा था, जब उनकर साथे रानी तब उनकर कबो याद ना आयल, नहीं कबो उनकरा से प्यार कहनी, नहीं कबो उनकर ख्याल रखनी। लेकिन आज जब दूर हो गई बानी तब उनकर एक एक बात याद आवता। डिम्पल, हम लोग के साथे बहुत गलत कहले बानी, आज हमकी बात की बहुत पछतावा होता। पता ना वो लोग हमके माफ करिए कि ना। दीदी
हमरा के ई बात के खुशी बा कि तहरा के पछतावा होता। अब लगता हमार दीदी लड़का से लड़की बन गई बाड़ी। तू चिंता मत कर दीदी, कल सवेरे ही बाबूजी जई हन और तू देखी हा सब ठीक हो जाए और ऊ लोग तहरा के माफ भी कर दी हन। मन मिले खातिर कितना मजबूर हो जाला, केहू पास होके भी दूर हो जाला, मन मिले खातिर कितना मजबूर हो जाला। अक्सर ही रोबे पड़े मोहब्बत कई के, अक्सर ही रोबे पड़े मोहब्बत कई के, मोहब्बत कई के दिल वो करे के चाहे जे किस्मत में नई खे, दिल वो करे के चाहे जे किस्मत में नई खे। सजावे नैना समझे न मन हो, दिल भर के खातिर काहे तड़पे धड़कन हो। सपना सजावे नैना समझे न मन हो, दिल भर के खातिर काहे तड़पे धड़कन हो। होके बेचैन अखियां चारू ओर में नई खे, दिल वो करे के चाहे जे किस्मत में नई खे। तावे बेकरारी दुश्मनों के होखे नाई प्रेम के बीमारी, हो भीतर ही भीतर सा तावे बेकरारी दुश्मनों के होखे नाई प्रेम के बीमारी। जिये के पार जाला हर सितम साही के, जिये के पार जाला हर सितम साही के, हर सितम साही के दिल वो करे के चाहे जे किस्मत में नई खे, दिल वो करे के चाहे जे किस्मत में नई खे। अरे वाह दीदी, साड़ी में तो आज बड़ा सुंदर लग रहा है ना। चला जल्दी घर चले के बाबा इंतजार करत होई। हाँ चला। डिंपल कुछ तो गड़बड़ बुझाता, बाबूजी के कुछ गुंडे उठा के ले जाता रसल, हमने के चले के पड़े। क्या हुआ तू लोग? Thank you.
के बड़े हो है? छोड़ हमरा के, नहीं तो तू लोगन के खातिर ही सब ठीक ना होई। तू लोग आखिर सौतेला भाई होके का फर्ज तू लोग निभा देला? तू ऐसन गद्दा निकलबा तू लोग ही हम सोच लेना राली। हाँ तो का करी, जिंदगी भर तुहार गुलाम बन के रही। देखी भैया, हमनी के जितना दिन रउआ के साथ रहे के रहे रह लेनी, अब चुपचाप हमनी के हमार हिस्सा दे दी भैया। राउर परिवार राउर संसार मुबारक हो। ए साले साहब, अब कब तक हम घर जमाई बन के रही? रउआ के टपकला के बाद का चाहता नी, हमनी के फूटी कौड़ी भी ना मिले। रउआ के पता बा ना कि हमार नाम का है बबलू दलाल। मुर्गा देख के करी ले हलाल। भैया जितना सेवा करे के रहल हमनी कर देनी, अब हमनी के हिस्सा देके आजाद करी। ए! अगर तोहनी सबके भरत मिला बंद हो गए हो ना, तब हम कुछ काम अपन आगे बढ़ाएं। बंटी हाँ, पेपर लेके आओ। तू तो वही बड़ा ना जनो दिन हरे आलले पत्रकार बनके। तोहरा का लागता, तोहारी दोनों भाई खातिर तोहरा के पकड़ के ले आईनी हा? ना, ये तोहरा पे तो नजर हमार बहुत पहले से रहा, और ये सब तो हमार षड्यंत्र रहे ताकि तोहार जन्म कुंडली हम निकाल सकी। और रहल बात जायदाद के, तो जायदाद खातिर सगा भाई भी आपस में लड़ जाले। ये दोनों तो तोर सौतेला हमें, यही से कहल जाला कि ऊपर वाला के घर में देर बा अंधेर ना। और देख हमरा के मौका मिल गई और ये जायदाद हम ले के रहा। बंटी साइन करा एकरा से। अरे लेकिन हई जायदाद तो हमनी के नाम करावे के बात रहल ना। भुला जा, जवन होता तवन देखा। ए तू हमरे भाईयन के बहला पुतला के हमरे जायदाद पर कब्जा करे चाहता रे? ई ना होई। जरूर होई। ए तीनों कभी बांध देकरा संगे। अरे वाह, अभी ले तो भाईयन का बड़ा उल्टा पुल्टा बोलत रहला। ये भाई के प्यार कैसे जाग गई? कुछ भी होके ये लोग भले हमरा के सौतेला माने, हम ये लोगन के आज तक सगा भाई मानता नहीं। छोड़ दे मुख्तार, छोड़ दे ये लोगन के। छोड़ दे, लेकिन साइन कैला के बाद। तू का समझ ले कि राजवीर इतना कमजोर हो कि तोरे कहला पर साइन कर दे, कब बोले कर अब साइन? ज्यादा सिर्फ और सिर्फ हमरे भाईयन का हो। मुख्तार नामा हमार मुख्तार, बचपन से आज तक जौन चीज जानी हो के हम पौनी हा, ये कैसे छोड़ दे? तोरा के तो साइन करे के पड़ी। नहीं करे साइन। साइन करे के पड़ी तोरा के। नहीं करे। बंटी कागज दे। रुक जा लोग। छोड़ दे हमरा बाबूजी के, ना तो तू लोग में से केहू जिंदा ना मची। बंटी ये दोनों कौन है रे कबाब में हड्डी? एखनी से तो हमार पुरान रिश्तेदारी बा, वही दिन रह गई, आज जरूर पूरा करो। चल तोरा के आज बतावा तानी। अरे? चल छोड़। देखा तानी आज के हो चाहिए तहरा के हमरा से। खानदान में बाप के इज्जत भगवान के रूप में होला, अते हमरा भगवान के हाथ लगाइले बाड़े, तहरा सजा मिलबे करी।
भाई देख। हाँ? अरे देख, हम तोरे खानदान के अपना कब्जा में रख ले बानी। तोरा के का लगता कि तू इतना आसानी से हमरा के मार दे दे? ना, अगर हम मरब ना तो तोरे खानदान के लेके मरब। देख ले ना, सब हमरा कब्जा में बा, सबके हाथ में बम बंधल बा, सोच ले तू। हमनी के परिवार के खत्म कइल इतना आसान बात नहीं है। अपन भगवान जैसन भाई पर कितना कितना सितम कहीनी। भैया माफ कर दी। भैया भैया अब हमनी के गलती ना करब, हमनी के माफ कर दी भैया। साले साहब हमरा के माफ कर दी। कहे तू तो एकरा साथे मिल के हमरा के हलाल करे चला लाला। सॉरी गलती हो गई, लालच से लालच तोरा के अंधा कर दे लेना। पर मछुआ रख माफ कर दी। तू हमार दामाद पाड़ा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सब लोग आ गई हैं। का बात बा समधी जी, अनजाने में हमार बेटी से जौन गलती भइल बा, रउवा से हम ओकरा खातिर माफी मांगत आनी, ओकरा माफ कर दी। समधी जी ई सुधर गल बाड़ी, रउवा लोग के आगे ही कोनो शिकायत का मौका ना दे। अरे रमा शंकर जी, माफी मांगे के कोनो जरूरत नहीं खे। रौर बिटिया हमरे घर का सदस्य बाड़ी और हमेशा रही। अरे सब लोग का खड़वाड़ा, चला घर चला। ए साल साहब हनीमून पे चल जाए का? ए 5 साल हो गल भी आए के, हनीमून पर जाके क्या कर लेबा। चला चला चला। हमरा के माफ कर दीजिए। हम रवा के और रवा परिवार के बहुत दुख पहुंचनी। आज हमके सब कुछ समझ में आ गइल बा। हम रवा से वादा करतानी कि एगो संस्कारी बहू बन के जरूर दिखाई। अरे पगली तुहर जगह पैर में नहीं खे, तुहर जगह दिल में बा। आज हम समझ गए नी कि तू सुधर गइल बाड़ो। अब तोहरा दिल में हमरा प्रति प्यार जाग चुकल बा। I love you जी। चला देर ही सही, बाकी तोहरा दिल में हमरा प्रति प्यार जागल था और ये बात सुने खातिर तो हमार कान तरसत रहे। I love you too। पहले नजर में दिखते तो से प्यार हो गई, ये हो सवरिया लव बेशुमार।